नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बताना चाहूंगा कि भारत संरचनात्मक दृष्टि से गांवों का देश है और सभी ग्रामीण समुदायों में अधिक मात्रा में कृषि कार्य किया जाता है, इसीलिए भारत को भारत कृषि प्रधान देश की संज्ञा भी मिली हुई है। लगभग 70% भारतीय लोग किसान हैं। वे भारत के देश की रीढ़ की हड्डी के समान हैं। खाद्य फसलों और तिलहन का उत्पादन करते हैं। वहीं कुछ ऐसे किसान हैं जो कि सब्जी लगाकर उसको बेचकर गुजारा करते हैं। जो किसान भाई सब्जी बेचकर अपना पेट चला रहा था, उस पर लॉकडाउन का बुरा असर देखने को मिल रहा है। जो करेला 30 से 40 रुपए प्रति किलो की दर से बिक्री हो रहा था, वही आज पूर्ण रूपेण सड़ा हुआ है, जो फेंकने के योग्य हो गया है, जिसको लेकर किसान आत्महत्या करने की भी बात कर रहा है। 18 से 24 हजार तक की लागत में किसान को मेहनत का 1 रुपए भी नहीं मिला। इसी बात को लेकर सब्जी के किसान अत्यधिक दुखों का सामना कर रहे हैं। वहीं लॉकडाउन का लगातार देखने को ये मिला लॉकडाउन में कि किसान पूरी तरीके से पूंजी उसकी डूब चुकी है और मेहनत का कुछ भी कमा नहीं पाया। पूरी तरीके से सब्जियां नष्ट हो चुकी हैं। जो आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पूरा परिवार खेत में लगा हुआ है, जो खेत का कार्य नहीं बल्कि सब्जियों का कार्य कर रहे हैं। जहाँ पूरी तरीके से सब्जियों को, सड़ी हुई जो सब्जियां हैं उनको छांटकर बाहर निकाला जा रहा है, वहीं एक युवती भी इसी कार्य में लगी हुई है। जो घर परिवार किसान जो थे, सब्जी बेचकर जो गुजारा कर रहे थे, वो आज किस तरीके से जी रहे हैं आप खुद देख रहे हैं। धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज। मैं रवि कुमार पांडे, नमस्कार, जय हिंद। अठारह हजार रुपया किलो ये बीजहा आए, आए 24 हजार के बीजहा लगा लाख है। एक अब किसान फांसी न लगाई तो का करे, अब यह कहाँ लग जाए कौने बाजारी में ये बीची। हाँ Hey!